In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum to all your students. Welcome to Educators and Student Campus at Online Classes. Dear students, our week is first and week is second. Our chapter number is second, the Pakistan Movement and Emergence of Pakistan, Tehreek-e Pakistan aur Pakistan ka Qiyam. स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है वो लास्ट लेक्चर में बताया कि कायदे आज़म ने जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका रोल है पाकिस्तान को बनाने में, उनके कुछ रिव्यूज़ मैंने आपको दिए थे पिछले लेक्चर में, और इसमें भी जो है वो बाकी के उनके जो रिव्यूज़ हैं, जिसके जो उन्होंने अपनी वफात तक और पाकिस्तान बनने तक जो जो काम किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको जो है रिवाइज करवा दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक मैं जैसे से आपको बताती रहूँगी, आप इसको अपने माइंड में जो है वो दोबारा से लर्न कर सकते हैं, दोबारा से उसको जो है वो मतलब उसको रिव्यू कर सकते हैं। इसका जो है वो इससे आपको बकायदा तौर पर कुछ भी नहीं भूलना पड़ेगी, और मेरे लेक्चर से आपका जो लेक्चर है वो रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारा जो रॉ टैक्ट हुआ था, रॉ टैक्ट हमारा पिछला लेक्चर आया है। नेक्स्ट टाइम हमारा 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म ने नेहरू कोर्ट के जो जवाब में 14 नुकात जो है वो पेश किए, और उनके 14 नुकात इतने इंपॉर्टेंट थे कि उनको तारीख में सबसे जो है वो अहम चीज़ इसको माना जाता है कि आपने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 1929 में जो है हमें अपने 14 पॉइंट्स पेश किए, और इसमें अपनी अपनी जो मतलब हमारी जो हैसियत है एज अ पाकिस्तानी उसको वाज तौर पर बयान किया कि हम क्या हैं, क्या चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्ट 1935 का एक्ट जो है वो मंजूर करवाया गया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातें जो हैं वो उसे मतलब कायदे आज़म ने जो है वो उनको बताया इस चीज़ के बारे में कि 37 और 36 के जो इंतखाबात हैं उसमें दोनों जमातें शामिल होंगी। ऐसा था कि कांग्रेस जो है वो कभी भी ये चीज़ नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग जो है वो कामयाब हो जाए या वो एक अथॉरिटी बन के सामने आए, तो इस लिहाज से उन्होंने कायदे आज़म ने इस चीज़ को वाजे कर दिया कि दोनों ही जो सियासी जमातें हैं वो हमारे इसमें शामिल होंगी। नेक्स्ट हमारा उसके बाद है जब ये इंतखाबात हुए, फिर उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1934 में जो है वो अल्लामा इक़बाल की सरकर्दगी में एक रेजोल्यूशन मंजूर करवाया, 1940 में एक इक़रार मंजूर करवाई, जिसमें आपने मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के कहने पर जो है वो हिंदुस्तान जाकर उनकी उनको संभाला, और उसके बारे में बताया कि हम जो है वो एक स्टेट हासिल करना चाहते हैं जिसमें हम इस्लामी सूबा को अपना सकें। नेक्स्ट है हमारा 1945 और 1946 के इलेक्शन, ये सबसे बड़े इलेक्शन रहे हैं जिसमें मुसलमानों को जो है वो वाजे तौर पर 100% कामयाबी के बाद जो है वो उन्होंने अपनी ज़ात को जो है वो मनवा लिया था कि हम वाकई में एक अलग स्टेट है वो कायम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैप्टन मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान का ये था कि अंग्रेज़ कांग्रेस को हुकूमत देना चाहते थे और हर चाल को मुसलमानों जो है वो नाकाम बनाया और अपने आप को किसी तौर पर भी नज़रअंदाज करने से बचा लिया। कैबिनेट मिशन प्लान में अपनी ज़ात को वाज़ तौर पर बयान करने के लिए, वाज़ तौर पर अपनी ज़ात को मनवाने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की जो परचम है उसके तले मुसलमानों की जो शनाख्त है उसको वाज़ किया। फिर जो है एक मतलब जो काम होना होता है उसको कोई इंसान कितनी देर तक रोक सकता है, बहुत सारी कोशिशें की गई, बहुत सारे जो है वो मतलब इरादे किए गए कि पाकिस्तान ना बने, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर था कि पाकिस्तान बनना ही था। आखिरकार 14 अगस्त 1947 में जो है वो पाकिस्तान बन गया, और 15 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने इस नए कुतुबुद्दीन रियासत के पहले गवर्नर जनरल का हल्फ उठा लिया और आपको गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया गया। नेक्स्ट है फिर कायदे आज़म जब पाकिस्तान बनने के बाद आप सिर्फ एक साल जिंदा रहे, 11 सितंबर 1948 में आपकी डेथ हो गई, और आपने अपनी डेथ के टाइम तक जो है वो कोशिश करते रहे और मुसलमानों के लिए जो है वो जैसे जैसे मिसाइल पैदा होते हैं उनका जो है वो निकालते रहे, और आखिरकार मुसलमानों को स्टेबल कर दिया। इन्होंने 1 ईयर टाइम के बाद, लेकिन 1 ईयर में इन्होंने बहुत अहम जो है वो काम कर लिए थे। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको रिव्यू सारे आपके दे दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अगला पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ तक आप इसको पढ़ें और इसको जो है वो लर्न करें। थैंक यू, स्टे होम, स्टे लाइफ, अल्लाह हाफ़िज़।